चले हमने जो आपको क्वेश्चन दिया था वो बता दीजिए सॉल्व करवा। बोली चार लाख रुपए नरेश लाल ने व्यापार प्रारंभ किया। सबसे पहले आपने यहाँ पे एलसी से लेजर बना लिया। कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट अंडर में आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। एंटर कर दिया आप सेव कर दिया। स्किप से आप बेच चाहेंगे स्किप की जगह से आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। वाउचर एंट्री के लिए आप वी प्रेस करेंगे। एंट्री आप करेंगे एफ सिक्स से रिसीव वाउचर टू में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट अमाउंट 4 लाख। फाइव में आ जाएगा के एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन बोलो। सेकेंड क्वेश्चन था नगद माल खरीदा 55,000। इसकी एंट्री आप करेंगे एफ नाइन से परचेज वाउचर में। यहाँ से आप एस वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। टू में आ जाएगा के अमाउंट 55,000। बाय में आएगा परचेज। अल्टर प्लस सी से अपन परचेज का ले जाना है। परचेज अकाउंट अंडर में आपका परचेज अकाउंट में आए एंट्री हो जाएगी बाय परचेज अकाउंट टू केस अकाउंट। एंटर करके आप सेव कर दें। क्लियर। नेक्स्ट बोली मोहन से माल खरीदा। इसकी एंट्री भी आप परचेज वाउचर में करेंगे। अब टू में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिससे अपन उधार माल खरीद रहे हैं। अल्टर प्लस सी से आप मोहन से अकाउंट का लेजर बना देंगे। मोहन से अकाउंट अंडर में आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगी। यहाँ दिन डालेंगे कितने दिन बाद अपन पेमेंट कर देंगे। एंट्री करके सेव कर देंगे। अमाउंट कितना था 45,000। एंट्री करेंगे बाय में आ जाएगा परचेज। एंट्री हो जाएगी बाय परचेज अकाउंट टू मोहन अकाउंट। एंटर करके आप सेव करेंगे। नेक्स्ट बोलिए नगद माल खरीदा 20,000 का 10% रेट डिस्काउंट। एंट्री आप करेंगे परचेज वाउचर में। टू में आएगा केस। अपन यहाँ कंट्रोल प्लस एन करते हैं कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। कितने का था 10,000। आप निकालेंगे 10,000 से 10% मल्टीप्लाई 10 डिवाइड मल्टीप्लाई 20 डिवाइड 100। अमाउंट आ जाएगा 2,000। ठीक है 10,000 से 20% 2,000। 20% निकालो। फिर से क्वेश्चन बोलिए। नगद माल खरीदा 20,000 डिस्काउंट तो 20% 20,000 का नगद माल खरीदा 10% रेट डिस्काउंट। अपन यहाँ लिखेंगे 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 और डिवाइड 100। अमाउंट आ जाएगा 2,000। सही यही था ना। अब आप माइनस कर देंगे 20,000 में से माइनस 2,000। अमाउंट आएगा 18,000। आप केस के सामने अमाउंट डालेंगे 18,000 और बाय परचेज में भी आ जाएगा 18,000। एंटर करके आप सेव कर देंगे क्योंकि कौन सा डिस्काउंट है अपना ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अलग से नहीं करते अमाउंट उसमें से माइनस करके वहाँ पे डाल देते हैं। एंटर करके आप सेव कर देंगे। यहाँ पे तो सो होता रहेगा नहीं यहाँ पे तो आपको सो होता रहेगा। नहीं ऐसा होता देखो आपने कंट्रोल एन किया कैलकुलेटर अपन अभी किस पे एक्टिवेट है कैलकुलेटर जो भी टाइप करो किस पे हो रहा है कैलकुलेटर।
आपको जिस पे टाइप करना है यहाँ पे वाउचर एंट्री करना है, आप इस पे क्लिक करें, फिर आप जो भी एंट्री करेंगे वो इस पे होगा। आपको कैलकुलेटर से वापस वाउचर पे जाना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए। नगद माल बेचा एस टी एंट्री आप करेंगे एफ एट से सेल्स वाउचर, यहाँ से आप एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे, बाय में आ जाएगा यहाँ पे आपका केस अमाउंट और टू में आ जाएगा सेल्स। अल्टा प्लस सी से अपन सेल्स अकाउंट को ले जा बना के, सेल्स अकाउंट अंडर में आपको सेल्स अकाउंट में आता है, एंटर करके आप सेव कर देंगे, एंट्री हो जाएगी बाय केस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, एंटर करके आप सेव कर देंगे। माल बेचा भुगतान में चेक मिला, चेक मिल रहा है तो आप बाय में लिखेंगे, बोलिए हाँ अल्टा प्लस सी क्या चेक इन हैंड पे ले जा बना लेंगे। चेक इन हैंड अंडर में आपका कैश इन हैंड में है अमाउंट और टू में आ जाएगा सेल्स, एंटर करके आप सेव कर दें। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, स्किप से बैक चलते हैं। बैलेंस शीट के लिए आप भी प्रेस करेंगे, बैलेंस शीट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। सबके तैयार बैलेंस शीट के लिए आप पहले स्किप की से वापस बैक आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, आप बी प्रेस करेंगे तो बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। ये देखिए कैलकुलेटर आपने यहाँ पे अभी शो, आप कंट्रोल प्लस एन से कैलकुलेटर यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते। अब यहाँ पे तो आपको क्लोज के लिए कोई ऑप्शन नहीं, अगर शॉर्टकट की होती हो तो वो हमें नहीं पता, हम सर से पूछ के बता दें, बाकी यहाँ पे तो आपको क्लोज के लिए कोई ऑप्शन वो नहीं देता। एक बार एक्टिवेट करने के बाद बाकी इसकी वजह से शॉर्टकट की होती हुई हम सर से पूछ के बता देंगे, यहाँ पे तो आपको कोई ऑप्शन नहीं देता क्लोज के। इतना कर लेंगे आपको डिस्काउंट में, किसी से डाउट है? अल्टा प्लस सी लेकिन आप वाउचर एंटर भी जाते हैं एंटर करो, यहाँ से अपन अल्टा प्लस सी करके वाउचर पे आते नहीं आप स्किप कर दो वापस आप वाउचर पे जाओ, स्किप की से वापस आप वाउचर पे आ जाओ, क्योंकि आप अल्टा प्लस सी जाते आप एंटर करोगे तो वो एंटर तो बोले जाएंगे जब तक आप यहाँ नाम नहीं डालोगे, आप स्किप की करिए, स्किप की करोगे तो वापस आप बैंक आ जाए। अब डिस्काउंट में किसी को डाउट हो तो पूछिए वरना आगे की एंट्री बता दें, बता दें आप सबको पता है डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं? बता देते हैं, देखिए डिस्काउंट होते हैं आपके दो टाइप के, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट एक होता है केस डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपका वो डिस्काउंट होता है उसे हिंदी में बोलते हैं व्यापारी बोल, ऐसा डिस्काउंट जो व्यापारी अपनी मर्जी से देता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है व्यापारी बट्टा। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट, क्या एम आर पी नहीं, जैसे कि जो शॉपकीपर अपनी मर्जी से दे रहा है, जैसे कि आपने देखा कभी कभी अपन किसी शॉप पे जाते हैं आप उनसे 10,000 का सामान ले रहे हैं, शॉपकीपर क्या बोलते हैं 10,000 का सामान हम आपको 9,000 में दे रहे हैं, अपन ने डिस्काउंट नहीं दिया, शॉपकीपर ने आपको अपनी मर्जी से दिया, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट जो व्यापारी अपनी मर्जी से देता है। ऐसा डिस्काउंट जो व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी से देता है वो होता है व्यापारी का। और चेस डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो व्यापारी नहीं देना चाहता लेकिन कस्टमर अपनी मर्जी से लेता है, जैसे वो आपको 9,000 में सामान दे रहे हैं आप उनसे क्या बोल रहे हैं 9,000 का सामान हम 8,000 में लेंगे, 1,000 का डिस्काउंट वो आपको नहीं देना चाहते लेकिन आप ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगा चेस डिस्काउंट। चेस डिस्काउंट हमेशा आपका नगद पे ही रहता है, उधार पे सभी नहीं रहता, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट नगद पे भी होता है उधार पे भी होता है, जैसे कि वो 10,000 का सामान अपन ले रहे हैं आपको वो कितने में दे रहे हैं 9,000, उसने आपको शॉपकीपर ने पहले बोल दिया 10,000 का सामान हम आपको 9,000 में देंगे, 1,000 ट्रेड डिस्काउंट है जो व्यापारी ने अपनी मर्जी से दिया है, ठीक है। अगर आप उसे उधार करेंगे तब भी वो आपको सामान 9,000 में देंगे,
आप उनसे बोलेंगे हम आपको पेमेंट 2 दिन बाद कर देंगे, उधार कर दें, तब भी वो आपको सामान कितने में देगा? 9,000। और अगर आप नजद देंगे तब भी आप 2,000 दें, लेकिन कैश डिस्काउंट से नजद करेगा। आपने उनसे बोला ये सामान हम 8,000 में लेंगे, अगर आप उन्हें नजद दे रहे हैं तब तो वो आपसे 8,000 ले लेंगे, क्योंकि आप क्या बोलते हैं नहीं आपका 8,000 है प्लस लेंगे, तो व्यापारी जैसे तैसे उसे रख लेते हैं। लेकिन आप उनसे बोलते हैं ये 8,000 हम आपको 2 दिन के बाद देंगे, तो वो व्यापारी नहीं मानता। आपने 8 दिन बाद वो आपको कितने लेगा? 8,000 ही लेगा। 2 दिन ही 8 दिन बाद आप जब भी पेमेंट करने जाएंगे 9,000 ही लेगा, 8,000 वो आपको नहीं लेगा। क्या बोले तो हमने तो आपने सामान 9,000 में दिया, इसलिए जो चेक डिस्काउंट रहता है वो सिर्फ नगद पे मिलता है। अगर आप नगद पेमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन उधार पे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट रहता है, चेक डिस्काउंट नहीं रहता। अब अभी जो अपन ने इसमें एंट्री की थी वो कौन सी थी? ट्रेड डिस्काउंट वाली, ठीक है। अपन ने 10,000 का माल खरीदा जिसपे 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अलग से शो नहीं कर रहा, ट्रेड डिस्काउंट का लेखा अलग से नहीं करते, सिर्फ अमाउंट में से माइनस करने के बाद उसे लिख देते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री आप अलग से उसमें करते हैं, क्लियर। चल अपन ने जो पढ़ा था वो था आपका ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बताए। अब हम आपको कैश डिस्काउंट के साथ एंट्री बताते हैं, बता अपन 10,000 का माल खरीद रहे हैं जिसपे 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक। दोनों एंट्री कर लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट वाली भी चेयर डिस्काउंट वाली। 10,000 का माल खरीद रहे हैं जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट। वाउचर एंट्री आप किसमें करते हैं माल खरीदने की? परचेज वाउचर, F9 से परचेज। यहाँ से आप एक वाउचर सिलेक्ट कर लें, 2 में क्या आ जाएगा? केयर। अमाउंट कितना है? 10,000। 10,000 का 10%, कंट्रोल प्लस एन करेंगे, यहाँ अमाउंट डालेंगे 10,000, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,000। 10,000 में से आप माइनस कर देंगे 1,000, अमाउंट कितना आएगा? 9,000। आप यहाँ कैश में कितना लिखेंगे? 9,000। डिस्काउंट निकाल लेंगे आप लोग, कंट्रोल प्लस एन कर दिए, ठीक। एंटर करेंगे, बाय में आ जाएगा परचेज, इसमें भी अमाउंट कितना डालेंगे? 9,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अलग से शो नहीं करते। एंटर करके आप सेव कर दें, कर लेंगे ये एंट्री। सेकेंड होता है नगद माल खरीदा 20,000 का जिसपे 10% चेस डिस्काउंट। अब अपन चेस डिस्काउंट के साथ खरीद दें, तब 2 में तो आप लिखेंगे केस, लेकिन नगद माल। अब आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे, आप यहाँ निकालेंगे 20,000 का 10% मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, एंटर करेंगे, अमाउंट कितना आएगा? 2,000। 20,000 में से अपन माइनस कर देंगे 2,000, अमाउंट कितना आएगा? 18,000। अब अपन उन्हें कैश कितना दे रहे हैं? 18,000। 18,000 दे रहे हैं, 20,000 का 20% माइनस करने के बाद आप इसमें अमाउंट डालेंगे 18,000, बाय में परचेज। अब परचेज में आप अमाउंट कितना डालेंगे? जितने भी शॉपकीपर आपको सामान दे रहा था, कितने में दे रहा था वो? 20,000। 20,000 में दे रहा था, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है, अपन ने अपनी मर्जी से लिया है, ये कैश डिस्काउंट है, इसकी एंट्री अपन अलग से करते हैं। आप कैश में जितना लिखेंगे, जितना कैश अपन उन्हें दे रहे हैं, 20,000 का 20% माइनस करने के बाद 18,000, बाय परचेज में कितना अमाउंट आ जाएगा? पूरा 20,000। और फिर 2 में आएगा डिस्काउंट, 2 में आप लिखेंगे डिस्काउंट, अल्टा प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बनाइए। डिस्काउंट अकाउंट के आगे आप यहाँ पर फी लिख दें, क्योंकि ये डिस्काउंट कौन सा है आपका? परचेस वाला, ठीक है। सेल्स के लिए अपन डिस्काउंट का लेगा अलग बनाएंगे, परचेस के लिए अलग। आप इसे अंडर में डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम, अंडर में ये आएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि इनकम में अपन को डिस्काउंट मिल रहा है। एंटर करके आप सेव कर दें, अमाउंट आ जाएगा इसमें 2,000। नरेशन डाल देंगे आप, बीइंग गुड्स परचेस ऑन केस 10% के डिस्काउंट। एंटर करके फिक्स कर देंगे। अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
नहीं आप लोग? इन एंट्री में किसी को डाउट नहीं है तो क्वेश्चन लिखिए। देखिए मैंने व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया 5 लाख रुपए नगद लाकर। सेकंड क्वेश्चन लिखना, नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा 75,000। क्वेश्चन आपको हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में भी बोलना है? दोनों में बोलना है तो हम दोनों बोल देंगे क्या? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया आपने, व्यापार प्रारंभ किया 4 लाख रुपए नेट लाभ। आप में से जिन्हें इंग्लिश में लिख, हाँ 5 लाख, जिनको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख लेना। बिजनेस स्टार्टेड विद केस 5 लाख। सेकंड क्वेश्चन है, गुड्स परचेस ऑन केस 75,000, नगद माल खरीदा 75,000। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, गुड्स परचेस ऑन केस 50,000, 5% केस डिस्काउंट, 5% केस डिस्काउंट। नगद माल खरीदा 50,000 था, 5% नगद बट्टे हिसाब। नगद माल खरीदा, हाँ नगद माल खरीदा 50,000 था, 5% केस डिस्काउंट। नेक्स्ट लिखिए, नगद माल बेचा, गुड्स सोल्ड ऑन केस 20,000, गुड्स सोल्ड ऑन केस 20,000। हाँ नगद माल बेचा 20,000, गुड्स सोल्ड ऑन केस 20,000। लिख लिया लास्ट वाला, नगद माल बेचा 20,000, और एक क्वेश्चन लिखिए, श्याम को माल बेचा 45,000, श्याम को माल बेचा 45,000, गुड्स सोल्ड बाय श्याम 45,000। अब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करना, कोई डाउट हो तो।